राय कुमार। सर कहाँ से आए हैं? पूंछ से। कैसा महसूस हो रहा है आप यहाँ पे? बहुत अच्छा, क्योंकि आज बच्चों ने भी देखा कि बर्फ इतनी पड़ी है कि हम नजारा देखने के लिए आए हैं। कितने दूर से हैं? कम से कम 40 किलोमीटर दूर से। मंडी विदार से थोड़ा सा आगे। और कितने फैमिली में? कौन कौन से फैमिली में? कितने फैमिली में? मेरी सिस्टर है, मेरा जीजा है, दो सिस्टर है, दो जीजे हैं, एक मेरा भतीजा है, एक मांझी है, एक मेरा दूसरा भतीजा है। क्या कहना चाहेंगे आप इंतजामिया से? क्या इंतजाम होने चाहिए यहाँ पे? नहीं नहीं, बहुत इंतजामिया से मैं कहूँगा कि अच्छा इंतजाम होना चाहिए, ताकि जैसे श्रीनगर में होता है ना कि वो जब बर्फ पड़ती है तो इंतजाम करते हैं, वैसा इधर भी होना चाहिए पूंछ में भी, ताकि वैसा ही लोग महसूस करें जैसा श्रीनगर में करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है ये मिनी कश्मीर, इसको कह सकते हैं आप? मिनी कश्मीर है, कह भी सकते हैं, तो पूरा अमन है भी। बबली, कहाँ से आए हम? पंजाब से आए। कैसा महसूस होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से यहाँ पे? क्या इंतजाम होने चाहिए यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए? अच्छे इंतजाम होने चाहिए। मेरा नाम संजीव शर्मा है। सर कहाँ से आए? मैं पूंछ से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको मंडी में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे मंडी के वादियों? सर ये वादियाँ तो कितने कितने पैसे खर्चने के बाद भी नहीं मिलता, और ये मौसम और ये एटमॉस्फेयर और ये जैसी स्नोफॉल पड़ी हुई है, ऐसा तो कितने कितने पैसे खर्च के लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड या आगे पीछे श्रीनगर इधर उधर। हमारे तो यहाँ पे घर के पास बिल्कुल सेम साथ में है, और देखो आप कितना लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मैं कहता हूँ कश्मीर कुछ भी नहीं है, अगर कश्मीर में पैसा ना लगाओ और यहाँ पे लगाओ, जितनी डेवलपमेंट कश्मीर की हुई है, अगर उसका 25% भी यहाँ पे लगाओ या 10% भी यहाँ पे लगाओ, तो कश्मीर इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप देखो ना यहाँ पे ये नज़ारे देखो, और ये जगह देखो, ये बिल्कुल नेचुरल है। कश्मीर में देखो 99% जो पैसा है जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पे कश्मीर में लगता है, और वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा सोर्स नहीं है, यहाँ के लीडर जो है वो बिल्कुल बेकार है, मतलब हमारे